फटाफट रिवीजन सीरीज में आगे बात करते हैं फेमस इंस्क्रिप्शन की। अब देखिए फेमस इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्शन कौन सा है, कौन से राजा से रिलेटेड है और उसको किस आशय में लिखा गया है। अब जूनागढ़ का अभिलेख आता है रुद्रदामन शक के एक पीरियड में। जूनागढ़ रुद्रदामन ये जुरू जुरु आता है, ये किस में है, संस्कृत में है, जुरुसा हो गया। आपको ये याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ आता है, रुद्रदामन शक के उसमें और संस्कृत में लिखा गया है। ये बताता क्या है सुदर्शन लेख के बारे में, जुरुसासु ऐसे याद कर लीजिए कि यानी कि जूनागढ़ आया रुद्रदामन के लिए, शक था वो और संस्कृत में अभिलेख है और लिखा कहे के लिए गया कि सुदर्शन लेख जो है पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त का गवर्नर था उसने बनाई है। तो जुरुसासु से याद कर लीजिए क्या, जूनागढ़ रुद्रदामन संस्कृत और सुदर्शन लेख। अब इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे आते हैं, इलाहाबाद किसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में, अल्लाह समुद्र सा। तो अब देखिए यहाँ पे इलाहाबाद किसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में, लिखा किसमें है, संस्कृत में, किसने लिखा है, हरिसेन ने। तो इलाहाबाद अल्लाह समुद्र संस्कृत हरि, या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए अल्लाह समुद्र सा हरि, अल्लाह समुद्र सा हरि ऐसे याद कर लीजिए सेंटेंस, अल्लाह समुद्र सा हरि, इसको नोट कर लीजिए सेंटेंस। अब आ जाते हैं अहियोल इंस्क्रिप्शन पर। तो अहियोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में, पुलकेशिन के बारे में। ये बताता है किसके बारे में है कि हर्ष डिफीट करा पुलकेशिन ने, कंपोज किसने किया, रविकीर्ति ने, रविकीर्ति विष्णुवर्धन जो कि राजा का बेटा था पुलकेशिन का। तो अभी इसको याद कर लीजिए अहियोल पुलकेशिन, हर्ष हारा पुलकेशिन, कैसे याद करेंगे, अहियोल पुलकेशिन हर्ष हारा पुलकेशिन, याद कर लीजिए बड़ा अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, अहियोल पुलकेशिन हर्ष हारा पुलकेशिन। तो आगे बढ़ते हैं ग्वालियर इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, ये भोज के बारे में है और ये कहता है मतलब उसे फेमस प्रतिहार किंग के रूप में जो है भोज को दिखाया जाता है। ग्वालियर भोज प्रतिहार, ग्वालियर भोज प्रतिहार ऐसे याद कर लीजिए। अब हाथी गुफा खारवेल के बारे में, खारवेल हाथी गुफा, बोगज कोई 1400 BC का है। ये कहता है कि जो ऋग्वेद है ये प्रूव कर देता है कि ऋग्वेद इज मोर ओल्डर देन 1400 BC। इसमें क्या मेंशन होते हैं, इंद्र वरुण मित्र और दो नास्त्य जो हैं इसमें मेंशनड हैं, तो ये याद रख लीजिए। बोघाज ऋग्वेद, बोघाज ऋग करके आप इसको याद कर लीजिए। नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके लिए है, सातकर्णी फर्स्ट के लिए है, नाना घाट सातकर्णी। और ये बताता क्या है, राजा की अचीवमेंट के बारे में, ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है राजा की अचीवमेंट को लेकर ही है। नाना घाट सातकर्णी ऐसे याद कर लीजिए, बबुआ ज्यादा ना पढ़ना है, केवल और केवल उतना पढ़ना है जितना UPSC निकाल सके। तो नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं, तो ये किसके बारे में है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में है और अचीवमेंट बताता है गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो नासिक गौतम पुत्र सातकर्णी। अब बात करते हैं महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की, तो किसके बारे में, ये चंद्रगुप्त सेकंड। तो महरौली चंद्रगुप्त, चंद्र महरौली ऐसे भी याद कर सकते हैं। मंदसौर का इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में, मंदसौर कुमारगुप्त ऐसे याद कर लीजिए, कहानी ऐसी बना लीजिए पूरा। भीतरी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन किसके लिए, स्कंदगुप्त के बारे में है। अब तिरुल गोड़ू किसके लिए है, राजेंद्र फर्स्ट चोला के बारे में, और ये बताता क्या है कि उसने श्रीलंका को कैसे अनेक्स करा। अब देखिए ऐसे टिपिकल नाम को कैसे याद करेंगे आप, तो यहाँ पे ये देखिए तिरुल गोड़ागू इस टाइप का जो आया है, तो उसको क्या याद करना है कि यहाँ पे ये कहाँ का एरिया है, यहाँ क्योंकि श्रीलंका में हमेशा लिट्टी का वो चलता है श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर, तो ये पक्का तमिलनाडु और श्रीलंका का रिलेटेड होगा। और यहाँ पे राजेंद्र चोल, इसको याद रख लेना आपको। उत्तामिरूर किसका है, ये चोलार पीरियड के बारे में बताता है और चोल की विलेज असेंबलीज के बारे में बताता है। अब बेसनागर इंस्क्रिप्शन है, वो कहाँ पाया गया, वो पाया गया विदिशा में, और ये बताता है कि हेलियोडोरस जो है वो किंग एंटीसिडास और जिसने कि खुद को भागवत और गरुड़ ध्वज और वासुदेव के नाम से जो है फेमस करा था, उसके बारे में ये बताता है कि उसने हेलियोडोरस को अपना जो है एम्बेसडर बनाया हुआ था।